और चलिए अब बात करते हैं बाराबंकी और बलिया कांड की। पुलिस की एक दर्जन टीम दो दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, लेकिन फिर भी बलिया कांड के गुनहगार पकड़ से दूर हैं। और इन सब के बीच बाराबंकी रेप कांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टर्स को भी झकझोर करके रख दिया है। बाराबंकी रेप कांड इतना क्रूर था कि उसने डॉक्टर्स को भी अंदर तक झकझोर दिया, इतना हिलाकर रख दिया कि उन्हें कहना पड़ा ऐसी विभत्स घटना पहली बार देखी। दरिंदों के वहशीपन ने सारी हदें पार कर दी, न केवल नाबालिग को हवस का शिकार बनाया बल्कि मानवता को भी लहूलुहान कर दिया। अबोध बच्ची के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। डॉक्टरों ने जो खुलासा किया है उसे सुनने के बाद रोएं सिहर जाएंगे। डॉक्टर्स के पैनल के मुताबिक बेहद दर्दनाक और विभत्स है ये वारदात। नाक और मुंह दबाने से मौत हुई है, शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है हैवानों ने इंसानी रिश्ते को भी तार तार कर दिया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई हैं, लेकिन सतरिक थाना क्षेत्र की इस वारदात के सभी आरोपी 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यहां के पुलिस संदिग्धों से पूछताछ से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। हाथरस की निर्भया और बाराबंकी गुड़िया में फर्क इतना है कि यहां पर बिटिया दूसरी है, जगह अलग है और दरिंदे अलग है। इधर बलिया गोलीकांड से यूपी में सनसनी फैली है। बलिया गोलीकांड में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। परिजनों की शिकायत पर 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन सभी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा ये मानना है कि शीघ्र वहां पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोटे की दुकान को लेकर गोली चलने के मामले में योगी सरकार ने SDM, CO, SO और सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। कानून व्यवस्था को यूपी के गुंडों ने चुनौती दे रखी है। CM ने भी ठान लिया है कि जब तक सबक नहीं तब तक चैन नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।